आईपीएल 2024 बीती रात सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने थी। हैदराबाद के घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहे इस मैच में केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 4 विकेट के नुकसान पर 165 रनों का स्कोर खड़ा किया। बीती रात सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने एक अविश्वसनीय रन चेस में लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट की शर्मनाक हार थमा दी। इसके बाद लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका का काफी देर तक टीम डगआउट के पास कप्तान केएल राहुल से बात करती दिखाई दी। गोयनका के चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था। हालांकि जिस तरह से लखनऊ की टीम की शुरुआत हुई थी उसे देखकर ऐसा लगा था कि वो ज्यादा बड़ा टारगेट खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसी बीच लखनऊ के कप्तान राहुल अपनी धीमी पारी की वजह से एक बार फिर से फैंस के निशाने पर आ गए। राहुल ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाए जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल रहा। फैंस को लगा कि वो सेट हो चुके और जल्द बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन उन्होंने आउट होकर सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनकी धीमी पारी की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। केएल राहुल की धीमी पारी को लेकर आई प्रतिक्रियाओं पर चली डालते एक नजर। एक यूजर ने लिखा, दुनिया के 7 अजूबे भले ही कहीं और हो लेकिन 8वां अजूबा यही है। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर जो डिफेंस करता है। एकेडमी के प्रोफेसर श्री केएल राहुल ने एक और धमाका किया, उन्होंने 33 गेंदों में केवल 29 रन बनाए। एक अन्य यूजर ने लिखा, केएल राहुल को क्या दिक्कत है, वो अपना समय और गेंदे लेकर धीरे धीरे खेलते जैसे कि वो 50 या शतक बना देंगे, फिर अचानक वो आउट हो जाते। वहीं किसी और यूजर ने लिखा कि केएल राहुल ने अपने पुराने अंदाज में कमिंग्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं एक यूजर ने केएल राहुल की तुलना रोहित शर्मा की खराब परफॉर्मेंस से करते हुए लिखा, रोहित शर्मा के आखिरी 5 मैच में 32 गेंदों में 31 रन है, वहीं केएल राहुल इस मैच में 33 गेंदों में 29 रन बनाए। वहीं एक यूजर ने लिखा, केएल राहुल एक महान टेस्ट बल्लेबाज है और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी क्लास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अन्य बल्लेबाजों के लिए उनके साथ बल्लेबाजी करना बहुत कठिन है, वो उन पर दबाव डालते हैं। यदि आप 30 गेंदे खेलते हैं तो गहरी बल्लेबाजी करने और उच्च स्तर पर समाप्त करने की जरूरत है। उनके रिटायरमेंट से कई बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। वहीं एक का कहना है कि केएल राहुल जैसा घटिया T20 प्लेयर कोई नहीं है, प्लीज इसको रिलीज करो और पूरन को कैप्टन बनाओ अगर कुछ करना है आईपीएल में। तो बता दें कि लखनऊ ने अपने पावर प्ले के इतिहास का सबसे कम स्कोर बीती रात बनाया। उन्होंने 2 विकेट के नुकसान पर केवल 27 रन बनाए। इस मैच के दौरान कप्तान केएल राहुल बहुत ज्यादा रक्षात्मक नजर आए जिस कारण टीम 10वें ओवर में जाकर अपना टोटल 50 रन के पार पहुंचाया। इसी ओवर में राहुल आउट भी हो गए, उन्होंने 33 गेंदों में 29 रन बनाए। ये पहली बार था जब 30 प्लस गेंदे खेलने के बाद भी उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे रहा। युवा आयुष बडोनी ने 30 गेंदों में 55 रन तो अनुभवी निकोलस पूरन ने 26 गेंदों में 48 रन की नाबाद पारी खेली जिसे हैदराबाद ने सिर्फ 9.4 ओवर में बिना किसी विकेट गवाए बना लिया। केएल राहुल पर चल रहे फैंस के व्यूज और उनकी निराशा पर आपके क्या व्यूज हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहिए क्रिकेट केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।